Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to fauji banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका. मुझे लगता है कि एक अजीब सा भ्रम का माहौल बना हुआ है. I think अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने जा रही है. बच्चा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टाइम बिल्कुल बहुत टफ है यार. जितने भी हमारे एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं, कहीं ना कहीं वो मेंटली बहुत तैयार थे और वो फोकस थे कि सर इस बार बिल्कुल एग्ज़ाम के वाट लगा देंगे. और आप लगा भी देते, मुझे पूरा भरोसा है इस बात का बेटा. लेकिन आप जानते हैं कि विषम परिस्थितियाँ पैदा हुई. कुछ बच्चों का साथ ही साथ ऐड ऑन करना है कि सर NDA का एग्ज़ाम तो हो जा रहा है, थोड़ा सा बेटा डिफरेंस है NDA के एग्ज़ाम को लेकर के और कहीं ना कहीं एयरफोर्स एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के. क्योंकि NDA का एग्ज़ाम ऑफलाइन पैटर्न पर बेस्ड है बेटा, और UPSC एक बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है अपने आप में, और वो अपने आप में ताकतवर है क्राउड और सिस्टम को मैनेज कर पाने के लिए. बट पैरेलली एयरफोर्स एक अलग तरह का सिस्टम है जहाँ कई डेट्स पे एग्जाम कंडक्ट हो रहे थे. आई थिंक NDA जैसे एग्जाम से डबल ट्रिपल क्राउड का पार्टिसिपेशन था. एक हैवी मूवमेंट था कैंडिडेट्स का. और आपको पता है बेटा कि सेंटर इस बार बहुत दूर दूर चले गए थे, तो बहुत सारे इश्यूज थे जो सामने निकल के आ रहे थे. उन सब के बदौलत कहीं ना कहीं एयरफोर्स के एग्जाम को टाल दिया गया ओवरऑल. हाँ, ऑब्वियसली टालने का काम इंडियन एयरफोर्स का है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाया. क्योंकि जैसा आपने देखा कि पोस्टपोन करते थे इस बात को भी लिए. तो बच्चे को एक बड़ा प्रश्न मेरे सामने चल रहा है सबसे पहले कि सर आखिर एग्जाम आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि कब तक हो जाएगा, पहला. दूसरा, बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर जो नवंबर वाली क्लैरिटी, इतना तेज हम लोगों ने प्रोसेस किया, बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ. नवंबर में एग्जाम दिया आपने, फिर आपके फाइनली फेज 2 हुए, फेज 2 के बाद फेज 3 बोले, तो मेडिकल पार्ट भी आप लोगों ने फर्स्ट क्लास अपना डन कर लिया. मैक्सिमम कैंडिडेट का री मेडिकल्स भी हो चुका है, जो कि टिल 28 अप्रैल तक क्लियर भी हो जाएगा फाइनल, और सबके पास ग्रीन कार्ड होंगे. और 30 अप्रैल की PSL को लेकर एक बड़ा प्रश्न है, बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे. तीसरा, एनरोलमेंट लिस्ट को लेकर क्या लगता है सर, कब तक आ जाएगा, लेट हो जाएगा क्या, आखिर ज्वाइनिंग कब तक होगी, और क्या कन्फ्यूजन है. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बात कर रहे हैं कि सर मेरा 21+ हो जाएगा, तो सर इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हो. तो चलिए इस वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और कोशिश करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने कैरी की है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, उसके आधार पे मैं कुछ चीजें आपके सामने स्पष्ट तौर से लाने का प्रयास करता हूं. देखो, एक अच्छी बात बेटा कि दिस इज द टाइम टू बी काम. ये समय बिल्कुल यार काम होने का है. आई नो आप में एग्रेशन है, आई नो मन करता है इस देश के सिस्टम को गाली देने का, मन करता है देश के प्रधानमंत्री के जो एक्शंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एक्शंस हैं, जो नॉन सिंसियरिटी का एक प्रारूप हमारे देश में आया है, बहुत दुख हमें भी है और आपको भी है. लेकिन यार कुछ भी हो, देश हमारा है, लोग हमारे हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं. हम पब्लिक डोमेन में बेटा उन सब बातों को नहीं कर सकते हैं. सेकंड, आई नो कि आप में एक फ्रस्ट्रेशन है, उम्र बढ़ती जा रही है, एज रिलैक्सेशन लास्ट टाइम नहीं मिला. बट आज लकली एक पॉजिटिव बात है कि इंडियन नेवी ने अपने फॉर्म को अनाउंस कर दिया बेटा. वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी, और मैं तो हमेशा कह भी रहा था कि इंडियन नेवी जल्द से जल्द क्लियर करेगी. इस पर भी मैंने स्पष्ट किया था आप लोगों को कि बेटा हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कोई भगवान नहीं है. Everybody is going to get only information from the Indian Navy and Air Force and Indian Army. और वहीं की जो information आती है उनके official से बेटा, उन्हीं बातों को हम आपके सामने बढ़ा सकते हैं. हाँ, ये सच है कि Navy के लिए लगातार हम लोग फरवरी मार्च एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फॉर्म्स आ जाएंगे, और फ़ोन पे जैसा कि बात भी हुई तो उसके अनुसार यही वो क्लियर कर रहे थे कि आप निश्चित रहिए फॉर्म बिल्कुल आएगा. क्योंकि सीधा यही पूछा जा रहा था कि फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा फॉर्म जरूर आएगा, थोड़ा इंतजार करिए. और ऑब्वियसली वो इंतजार खत्म हुआ और इंडियन नेवी ने इस विषम परिस्थिति में फॉर्म अनाउंस कर दिया. मुझे लगता है पेशेंस रखने के अलावा क्या रास्ता था बेटा, हम क्या कर सकते थे इस चीज़ के लिए. आके बातें कर लेना बहुत सारी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट मुझे लगता है कि ये एक माध्यम था जिस माध्यम से हम लोगों ने आज शांति रखी और फाइनली हमारे पास नेवी का फॉर्म आ गया. अब अगला प्रश्न यही बनता है कि सर इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम, बट आई नो क्यों हम इसको नेगेटिव लें. आई नो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वजह से हमें लग रहा है कि सर हो सकता था. बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ क्योंकि उनका NDA से एग्ज़ाम क्लैश कर रहा था, तो उन्होंने सोचा. तो किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी है, किसी के लिए कोई चीज़ बुरी है. बट अल्टीमेट बेटा ये है कि जो स्थितियाँ सामने आई हैं उनको आपको काम दिमाग से बेटा एक्सेप्ट करना है. और आप तो फौजी हैं बेटा, आपको तो ज़िंदगी उस संघर्ष में ही गुजारनी है. आपके सामने हमेशा विषम परिस्थितियाँ होंगी, बट बेटा उन विषम परिस्थितियों में भी आप काम रह के क्वाइट रह करके ही अपने करियर का आगे ले जा पाएंगे और बेटा उसको बेहतर कर पाएंगे. तो मुझे ज़रूरी यही समझाना बेटा कि बिल्कुल एक महीने का टाइम आपको और मिल रहा है. वी आर एक्सपेक्टिंग, जो हमारा अभी ऑफिशियल से डिस्कशन है, कि मई के सेकेंड वीक तक एक बार फिर से नोटिफिकेशन आपके सामने जो है CSB के ऑब्वियसली द्वारा जनरेट कर दी जाएगी. दैट मीन एयरफोर्स की वेबसाइट पर आप CDSE पे देख लेंगे, और वहाँ अपडेट यही आएगी कि वी आर होपिंग कि हम जून में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे. जून फर्स्ट वीक सेकंड वीक का जो अभी डिस्कशन या ऑफिशियल से जो बात हो पा रही है. बट अगेन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये ऑब्वियसली कोरोना के स्टेटस पर डिपेंड करेगा.
और ईश्वर से मनाते हैं यार हम लोग, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का मैं कहूँगा प्रार्थना है यार, ब्लेसिंग है उनके पेरेंट्स का, उनके सपनों को कह लीजिए ईश्वर ने समझा और फाइनली इंडियन नेवी के द्वारा फॉर्म जनरेट किया गया। हम यही पॉजिटिविटी केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, यही हम सोच सकते हैं, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं सोचने का। तो बिल्कुल वी आर होपिंग पॉजिटिव, जैसा कि उनका कहना है कि जून फर्स्ट या सेकेंड वीक में हम एग्जाम शेड्यूल कर देंगे इंडियन एयरफोर्स में। मे में तो बिल्कुल आशा नहीं करना है ना उस चीज़ को लेके हमें बात करना है, क्योंकि जो हालात बनते जा रहे हैं इनमें बिल्कुल ये संभावनाएं नहीं है। बट जून में एक बहुत ही सुपर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपको पता है कि इन्हें नेक्स्ट एग्जाम भी कंडक्ट करना है, दैट मीन जो सितंबर अटेम्प्ट है उसको इनको शेड्यूल करना ही करना, वो एग्जाम होना ही होना है। तो कहने का मतलब है कि अपने प्रोसीजर को ये फास्ट करेंगे। सेकंड बच्चा प्रश्न बनता है कि बच्चे पूछ रहे थे सर जो 30 अप्रैल को PSL की हम बात कर रहे थे और PSL आएगी कि नहीं। प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट की जब हम बात करना शुरू करते हैं तो बिल्कुल ये क्लियर है, प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट लेट क्यों होगी, आप एक रीज़न दीजिए। सारे प्रोसीजर तो डन हुए हैं, केवल उनको एक वेबसाइट पे आके अपडेट ही तो करना है कि आखिर जो है इतने बच्चे हैं जो सेलेक्टेड हुए हैं, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं कि उसमें कोई रॉकेट साइंस लग जाएगा, किसी बच्चे को बुलाना है या इंटरेक्ट करना, नहीं यार। ऑलरेडी आपने मेडिकल और री मेडिकल का प्रोसेस मैक्सिमम बच्चों का डन हुआ, और मैक्सिमम जो है भी पेंडेंसी में 28 अप्रैल तक डन हो जाएगा, सबके पास ग्रीन कार्ड होंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग 100% कि वो 30 अप्रैल को आपका जो प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट है बच्चा वो आपके सामने आ जाएगी। अब दूसरा प्रश्न, सर लास्ट टाइम तो लेट हो गई थी, भाई लास्ट टाइम कंडीशन अलग थी, आपको अच्छे ढंग से पता है कि कोरोना के वजह से पूरी स्थितियां जो है वो अजीब सी हो गई थी, और कैंडिडेट को कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके जो है उन्हें सिलेक्ट जनरेट करना पड़ा, लिस्ट जनरेट करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोसीजर पूरा पेंडिंग हो गया था। इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। अब एक बच्चे का प्रश्न होता है कि सर लास्ट टाइम भी मैंने देखा कि जब ये प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट आई तो बहुत सारे बच्चों को सर अनफिट कर दिया गया उसमें, तो उसको भी लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनरोलमेंट लिस्ट जब आपकी आएगी तो उसमें वो आपको फिट कर दिया जाएगा और जाएंगे तो मेडिकल, क्योंकि आप फाइनली आप सेलेक्टेड हैं और पूरा प्रोसीजर डन कर चुके हैं, तो उस चीज को भी लेके आप बहुत ज्यादा जो है टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। फिट अनफिट जो भी आता है घबराना मत, फिट आ रहा है दैट्स कूल, अनफिट भी आ रहा है तो कोई बात, एनरोलमेंट लिस्ट में वो चीज आप अपग्रेड देखें। अब एनरोलमेंट लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल 10 जून को हम लोग पूरी तरह से एक्सपेक्टेड हैं कि 10 जून का आपका एनरोलमेंट लिस्ट जो होगा भैया वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, और उसी के पता है कि 10-15 दिन के बाद आपका दैट मीन 1 जुलाई के आसपास आपकी ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है पूरा का पूरा। तो वी आर होपिंग वेरी पॉजिटिव, बट अगेन फिर ये केस पे डिपेंड करेगा कि कैसा केस है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं हम चाहे किसी भी सिलेक्शन सेंटर, 2SC सिलेक्शन सेंटर की बात करें, 10SC की बात करें, 15SC की बात करें, हम जितने भी सिलेक्शन सेंटर्स की बात करें, वहाँ से आपको बुलाया गया अलाइनमेंट करके फाइनली आप बेलगाम के लिए जाएंगे, आपको पता है 14 डेज क्वारंटाइन का प्रोसीजर है, तो लाजमी सी बात है सब कुछ स्थितियों पर डिपेंड करेगा। बट आप इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि हाँ इस बार ज्वाइनिंग डिले हो जाएगी या एनरोलमेंट लिस्ट डिले हो जाएगी या प्रोविजनल जो है लिस्ट आने में, कोई डिले विले नहीं है, सब कुछ ऑन टाइम होगा बेटा। इस बात को लेकर आप अपने दिमाग से बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन इस चीज को लेकर होना नहीं चाहिए। थर्ड प्रश्न बच्चे का बना था कि सर 20+1+ हो जा रहे हैं जो, भाई वो आपका थोड़ी चिंता का विषय है, आपने तो प्रोसीजर पूरा बेटा फॉलो ही किया है ना, अब डिले हो रहा है गवर्नमेंट नॉर्म उन सब कारणों की वजह से, तो ये जो 21+ का भी एक बच्चे प्रश्न बार बार उठा रहे हैं इसको भी लेके बहुत सारा कंफ्यूजन दिमाग में नहीं आना चाहिए बेटा। मुझे लगता है कि दिस इज अ टाइम, ये समय है, आप काम क्वाइट होकर अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट। 21+ वाले भी जो बच्चे हैं बिल्कुल बेटा कंफ्यूज ना हो, भ्रम ना फैलाएं। मुझे लगता है यार विषम परिस्थिति, हम एक दूसरे को बेटा मेंटली सपोर्ट करके, अच्छी बातें करके, पॉजिटिव बात करके ही सही कर सकते हैं यार, नकारात्मक बातों को करना आसान है बट हम नहीं करेंगे, हम अच्छी बातें करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ बेटा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट समझा दूं मैं आपको, समझ लो यार कि शायद ये 1-1.5 महीने का आपको बोनस पॉइंट मिला है टाइम का, और अच्छी मेहनत करते हैं यार। लास्ट टाइम आपको पता नहीं है बेटा कि मार्च का एग्जाम था, नवंबर तक गया, क्या बच्चे उसमें हारे, कट ऑफ जानते हैं एयरफोर्स का 43.5 गया, क्यों गया, इसी कारण से गया क्योंकि बच्चों ने अपने प्रोफेशन के फोकस को बढ़ाया, तो ये भी मौका मिला यार। हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों, हो सकता है बेटा कोई सेगमेंट कमजोर हो, एक बार लग जाओ यार फोकस तरीके से प्रैक्टिस में, और मेजर कल्सी प्लेटफॉर्म आपके लिए है पूरी तरह से। बहुत ज़्यादा जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं बेटा जिन पे हम जाके स्टडीज़ करने, जंपिंग जपाक पढ़ाई हो गई है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, पढ़ाई बड़ी ऑर्गेनाइज करनी है यार, ये बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से होती है बेटा, इसको आप समझो इस बात को। ओवरऑल क्या आप जब एक क्लासरूम का हिस्सा बनते हैं, फॉर एग्जांपल आप MKC के ऑफलाइन क्लासरूम का हिस्सा बनते हैं, तो एक खूबसूरत जर्नी होती है जहां आप हर चीज़ ठोक बजा के उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के साथ आपको बकायदे मटेरियल इशू होते हैं, आपको एक प्रॉपर टीचिंग प्लान मिलता है, उसको लेके क्लास में जाते हैं, टीचिंग प्लान की एक जर्नी पता होती है कि सिलेबस 3 महीने में खत्म होना है कि 6 महीने में खत्म होना है,
एक एक लेक्चर तक डिफाइन रहता है हर टॉपिक के सामने आपके, और टीचर उनको डिस्कस करके उसी जर्नी से आपकी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। एक बेहतरीन मटेरियल आपको इशू किया जाता है जिसके माध्यम से आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं बेटा और क्वेश्चंस भी, और वो मटेरियल वही होता है जो आपको वाकई में आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का कलेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाते हैं। और इस खूबसूरत जर्नी में आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं, फाइनली अपना यूनिट टेस्ट देते हैं, महीने का आपका रिजल्ट आपके सामने आता है, और वो जो रिजल्ट की जर्नी 3 महीने 6 महीने की होती है वो एहसास कराती है कि आप सफलता तय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी के डायलॉग मारने से सफलता नहीं आएगी, ना मेरे डायलॉग मारने से ना आपके डायलॉग मारने से, अल्टीमेट जो रिजल्ट जो आउटपुट है उससे पता चलता है। इसी कड़ी में आप प्रॉपर डाउट काउंटर फैसिलिटी से जुड़ते हैं, जहां डाउट काउंटर पर जाकर अपने इंडिविजुअल हर वो समस्या जो आपके जहन में आप उसको पूछते हैं बेटा। ये जो एक इंटरैक्टिव तरीके से जो एक कनेक्शन बिल्ड होता है बेटा, इस जर्नी से जाकर के आप अपने ओवरऑल व्यक्तित्व को निर्माण करते हैं, पूरी पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं, अपने एकेडमिक एक्सीलेंस को अच्छा करते हैं, तब जाके सफलता क्या होती है बच्चा, सुनिश्चित हो पाती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं यार कि इस विषय पर आप सोचना होगा आप सबको। हम हवा में या भ्रम में नहीं रह सकते। आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि जब हमने एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म को शुरू किया, एक ही उद्देश्य था कि आखिर जो एमकेसी का ऑफलाइन कोर्स था, क्या वही सेम हम एमकेसी का ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं? तो हमने बनाया। आज एमकेसी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करिए और डेमोज देखिए पहले, और डिसाइड करिए कि हमें जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। सेकंड बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, एकदम स्मूथ जर्नी है, एवरीडे लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड वीडियो है, नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, बट उसके बावजूद आपको एवरीडे लाइव क्लासेस है, जहां एक पीरियड आपका मैथ का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, रगा का, हर पार्ट प्रॉपर तरीके से आपका है। रीजन, क्योंकि बेटा आप एवरीडे बिल्कुल क्लास स्टूडेंट की तरह, जिस तरह आप लाइव होते थे उस तरह है, प्रॉपर वहां टीचिंग प्लान आपको दिया गया है, उसी टीचिंग प्लान के हिसाब से आपकी लाइफ जर्नी पूरी की पूरी कंप्लीट की जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रॉपर आपको असाइनमेंट डेली मिलेगा, जिसको आपको क्लास के अंदर डेली लाइव में डिस्कस किया जाएगा। डाउट काउंटर फैसिलिटी दी गई है, जहां आप आके इंडिविजुअल अपनी हर समस्या पूछ सकते हैं। मुझे लगता है एक प्रॉपर टेस्टिंग प्रणाली आपको बनाई गई एमकेसी टेस्ट प्रेप के माध्यम से, जिससे आप टेस्ट देकर के अपनी वास्तविकता को किसी दूसरे से बेटा हर समय आपको अपना फीडबैक नहीं पूछना है यार, आपको खुद समझदार बनना है। और हर समय इंतजार मत करो कोई आके एयरफोर्स के लिए कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, नहीं यार, जो होना है आप समझते हैं, इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करती है अपने हिसाब से चीज़ों को करती है। ये हमारे आपके डायलॉग मारने से नहीं हो जाता है, हमारा आपका केवल एक कर्तव्य बेटा फोकस होकर। मैं जानता हूं नेगेटिविटी भी है, मैं जानता हूं कि दिल टूट जाता है, मैं जानता हूं ये समस्याएं होती हैं, बट इन सबको जानने के बावजूद है जी गुरु मेरी क्या जिम्मेदारी है बताइए आप मुझे। मेरी केवल ये जिम्मेदारी है बेटा कि आप फोकस करके मेहनत करिए, जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस दिन मौका मिलेगा सर, उसी दिन झंडा गाड़ देंगे। दैट्स द एटीट्यूड व्हाट यू नीड टू कैरी इन योरसेल्फ, जो आपको अपने अंदर कैरी करने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा भ्रम, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में ना उलझें, बस जरूरत है बेटा इससे फोकस जाएं। तो 2-3 चीजें क्लियर कर दिया हूं फिर से मैं कि जून में वी आर एक्सपेक्टिंग कंप्लीटली नोटिफिकेशन, जल्द से जल्द आपको सीएसबी में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि PSL ऑन टाइम आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, 28 तक सारी क्लैरिटी आ जाएगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इनरोलमेंट की बात करें तो 10 जून वो भी एक्सपेक्टेड है, ईश्वर करेंगे, ज्वाइनिंग भी सब टाइम पे जाएगी। ये एग्जाम जून में डन करेंगे, अगला एग्जाम भी प्रॉपर आप सितंबर में बेटा अपीयर होने जा रहे हैं। तो बेटा दिस इज अ टाइम फॉर द प्रिपरेशन, मत उलझिएगा बहुत सारी चीज़ों में। हम किसी को बुरा अच्छा कह के बेटा कोई फायदा हमें नहीं होता है, केवल एक चीज़ हमें समझना है, हम खुद पर फोकस करें, अपने माँ बाप का आप फेस देखिए, अपने परिवार का देखिए बेटा, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अपने पेरेंट्स को लेकर मैं समझता हूँ, हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारे पास पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और रास्ता यही है यार। तो रास्ता यही है, तो बेटा आपको पता है कि इस रास्ते को केवल आप अपनी मेहनत से, लगन से, निष्ठा से तय कर सकते हैं, और किसी भी सम परिस्थिति में यार खड़े रहना, यही तो एक फौजी एटीट्यूड है बेटा। कल को जिस क्षेत्र को आपने चुना है, मुझे लगता है हर सेकेंड हर क्षण आपके सामने चैलेंजेस होंगे बेटा, बट उस चैलेंज के दौरान भी आप अपने दिमाग को कितना काम और क्वाइट रखते हुए, कितना फोकस तरीके से तैयारी करते हुए आगे जा सकते हैं। और मेरा एक ही काम है बेटा, कुछ भी कहो मैं तो आऊँगा, और बार बार यही सिखाऊंगा बेटा कि केवल तन मन धन से मेहनत करिए, अपने एफर्ट्स को दुगना कर दीजिए बेटा, और पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करिए, खूब टेस्ट दीजिए, टेस्ट बार बार दे करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एमकेसी टेस्ट प्रेप के आप फील करिए कि आप में कहाँ कमी रह जा रही है, किन क्वेश्चंस को अप्रोच करने में कमी, उनको और अच्छा करिए, क्योंकि बेटा एक मौका भी आपके लिए पर्याप्त है अपने लक्ष्य को तय कर पाने के लिए। और उस एक मौके की तलाश में रहिए बेटा, और उस एक मौके की तलाश एक अच्छी तैयारी से ही हो सकती है। 1000 मौके हो तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, और एक मौका हो तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आपकी तैयारी शत प्रतिशत है तो। शत प्रतिशत तैयारी के नाम, माँ बाप के नाम, देश के नाम,
अपने परिवार के नाम एक बार बेटा फिर से तन मन धन से पॉजिटिव होइए, अच्छे होइए, लग जाइए। एमकेसी लर्निंग ऐप पूरी तरह से आपके साथ है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करके घर बैठे बिल्कुल घर वाली पढ़ाई पाएंगे, घर बैठे आप ऑफलाइन क्लासरूम वाली पढ़ाई पाएंगे, और आपको महसूस होगा कि कैसा प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़ करके हम अपने एग्जाम की तैयारी 100% कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। और बींग ए सौरभ सर, बींग ए मेजर कल्सी क्लासेस, मैं इधर आता रहूंगा और एवरी डे कुछ ना कुछ मोटिवेशन और पॉजिटिविटी आपके लिए, जिससे आप इस विषम परिस्थिति में डट के मुकाबला करें और अपने लक्ष्य और अपनी वृद्धि को तय करें। तो गुड लक फॉर द एग्जाम, स्टार्ट टुडे फ्रॉम द प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। जय हिंद, जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkalsiclasses.com।